हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और फाइनली यार हमारे पास गैलेक्सी M20 आ गया है। एंड काफ़ी लोग जो थे यार, मतलब मैं भी एक्साइटेड था इन सैमसंग के गैलेक्सी M डिवाइसेस के लिए। और जब यार ये फाइनली हाथ में आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है अपने आप को बजट मार्केट के लिए। अब मैं प्रीमियम बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन की फ्लैगशिप वालों को उनको भाई हटा दो, उन मेरे को पता है वो बेस्ट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कि बजट स्मार्टफोन को सैमसंग ने सच में यार बहुत अच्छा कर दिया है। अगर आप कंपटीशन देखो तो M20 अब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देने वाला है Zenfone Max Pro M2 को, साथ से Realme 2 Pro, Realme U1 और जितने भी Xiaomi के भी नए स्मार्टफोन आने वाले हैं उन सभी को, बेसिकली Redmi को। तो अगर बात करी जाए इस फोन की स्टार्टिंग, ओए होए 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 क्या यार ये फोन बनाया है। देखो यार सच बताओ तो सामने से ना आप लोगों को Realme के डिवाइसेस के साथ देखने को मिल जाएगा Realme U1, Realme 2 Pro जैसा। मैंने जो यार इसके कल एक हैंड ऑन वीडियो बनाई थी लेकिन मैं डाल नहीं पाया था, तो आज ये मैं एक और आप लोगों को एक बस बता रहा हूं जिस चीजों की लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो वो वाली चीजें मैं पहले क्लियर करता हूं इस वीडियो के अंदर। देखो गाइस ये जो फोन है मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। आपको सामने की तरफ में 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। और आपको यहां पे इफेक्ट्स जो है ना वो भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लो आपने फेस अनलॉक सेट कर रखा है और आप जैसे ही अपना फोन को पावर ऑन करते हो, जैसे डिस्प्ले ऑन होती है तो ऊपर जाओ कैमरा नीचे के साइड में कैसे एनिमेशन आती है बनके, वो यार मैं कैमरा पर कैप्चर करना भूल गया, बट वो एनिमेशन जो आती है ना काफी ज्यादा मस्त लगती है, एक अलग सा लुक देती है और वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। बट अगर बात करूं नॉच के डिजाइन की सामने से तो यार मेरे को Realme 2 Pro और Realme U1 जैसा ही लगा, फुल कॉपीड। बट अगर हम पीछे से देखते हैं तो यार हाँ यार पीछे आप लोगों को एक बैक जो है ना काफी प्लेन मिलती है, काफी ऐसी मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग सी नहीं मिलती, जैसे Zenfone की है ना Max Pro M2 की को काफी इंटरेस्टिंग सी लगती है और जैसी Realme की है वो काफी अलग सी लगती है। लेकिन इसकी जो प्लेन बैक है कुछ यहाँ पे कलर्स जैसे नहीं है, जैसे कुछ होता है ना किसी की राइट इफेक्ट अलग तरीके से हो रही होती है। जैसे मेरे पास Realme U1 है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राइट जो पीछे किस अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। बट यार वो जो है पूरा प्लेन बैक है तो यार वो इसमें ना ग्रीस आपके हाथों के वो दिखते हैं और इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी बात करूँ एक और चीज़ की जो फोन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो उसमें कि आप लोगों को कोई कैमरा बम्प नहीं देखने को मिलता। तो Realme U1 के अंदर मेरे को कैमरा सा हल्का बम्प देखने को मिलता है लेकिन उसमें कुछ नहीं है ऐसा। सर बात करूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ की तो यार 5000 mAh की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो बड़ी है। और Zenfone Max और M2 अगर आप लोग इसे कंसिडरेशन में लेते हो, अगर आप लोग दोनों फोन को रखते हो साथ में, तो यार दोनों की जो बैटरी है वो मेरे हिसाब से सेम ही रहेगी। लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी रहती है, अब यार मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में पूरा रिव्यू दे दूंगा कि कैसी रहती है ऑप्टिमाइजेशन। बट अभी इतना ही पता है कि जो बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है और आप लोगों को अब ज़्यादा बैटरी की टेंशन नहीं रहेगी। और बात करूँ यहाँ पे एक और चीज़ की जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो है USB Type-C पोर्ट जो इधर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि आपको 15W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है। तो उससे कि आप लोग इस फोन को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करवा सकते हैं। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 5000 mAh के साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी है, मतलब ये आइसिंग विद केक वाली बात हो गई कि आप लोगों को केक तो मिल रहा है उसके साथ, तो बढ़िया सी ऐसे ऊपर वाली क्रीम भी मिल रही है। तो भाई ये है कि आप लोगों को इधर फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh बैटरी मिलती है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है कि आपका फोन जल्दी चार्ज होगा कंपैरिजन विद Zenfone Max Pro M2। यहाँ पे मैं इन सभी फोन को कंपेयर इसलिए भी कर रहा हूँ, लाइक एक तरीके से रेफरेंस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार काफ़ी लोग जो अब इस फोन को लेंगे उनको दिमाग में सारे फोन रहेंगे, तो इसलिए यार इन सभी को लेने से आप लोग लाइक रेफरेंस में लेने से ये रहेगा मेरे को भी कि यार चलो मैंने इसको लेके इसको बता दिया ताकि आप लोग भी लोग क्लियर रहो कि हाँ भाई इसके अंदर ये है इसके अंदर नहीं है। अगर आप लोग डेडिकेटेड कंपैरिजन चाहते हो यार उसके लिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, उसके लिए फिर देखते हैं हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैं ऐसा अमेजिंग कॉन्टेंट आप लोगों के लेके आता रहता हूँ। तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो नीचे और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। सो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल वाली जो वीडियो हुई मैं इसमें इंडल्ज कर दूंगा, मैं इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो लाइक पॉइंट्स लिख रखे थे यहाँ पे अपने नोट पैड के अंदर, जो कि एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी इसकी फोन की डिस्प्ले। इसमें लिखा गया है कि क्रिस्टल क्लियर रेजोल्यूशन के साथ आती है और सच बताऊँ यार ये लाइक TFT पैनल है, बट ये जो कलर दे रहा है ना कोई कलर्स को काफ़ी ज़्यादा मस्त है। मैं इसे अपने Realme U1 से कंपेयर कर रहा था और मुझे कलर से काफ़ी ज़्यादा सेम ही लगे, मुझे ऐसे डिफरेंसेज नहीं लगे। तो मैं ये बोलूँगा हाँ सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है अच्छी होती हैं बट वो AMOLED होती हैं, लेकिन यार TFT भी उन्होंने अच्छा कमाल किया ही है, तो भाई सैमसंग कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। एक और नेक्स्ट थिंग जो मेरे को काफी पसंद आई इस फोन की वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि आपको 5 MP वाला कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपके 120 डिग्री तक के शॉट ले सकता है। तो हाँ यार कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये काफी अच्छा काम किया है सैमसंग ने कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा इंक्लूड करा अपने फोन के अंदर, क्योंकि इस बजट के अंदर आपको कोई ऐसा फोन नहीं है जो कि नेटिवली अल्ट्रा वाइड सपोर्ट करता हो जिसके अंदर 120 डिग्री की लेंस हो। सर ये एक और सेलिंग पॉइंट हो सकता है इस फोन का। बात करूँ ओवरऑल फोन की, चलो मैं नहीं बात करता, मैं चलता हूँ अपने कल वाले अंश के पास जाऊँगा, उससे बात करके आओ फिर मैं आपसे लास्ट में मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली आज हमारे पास गैलेक्सी M20 आ चुका है। एंड यार सो सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट चलो इतना चलता है।
तो ये रहा उसका बॉक्स गैलेक्सी M20 का, और ये रहा फोन मेरे हाथ में। यार बहुत ही जबरदस्त फोन लग रहा है अभी तक जितना मैंने यूज़ करा है, काफ़ी चेंज हो गई, मुझे काफ़ी इसमें सही लगी। और जितना मैंने कंपेयर करा है इस और कंपनी से, काफ़ी सिमिलर आप लोगों को फोन लगने वाला है। काफ़ी ब्रांड्स जैसे कि रियलमी हो गया, एसस हो गया, उन सभी का मिश्रण मान लो सैमसंग ने आपको दिया है। और बेसिकली एक बात करूँ गैलेक्सी M20 की ना, यार जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा किलर है। अगर बात करीजिए बॉक्स कंटेंट की, तो यार इसमें यूजुअल स्टफ मिलता है, बट हमें उसके बारे में कुछ जानना नहीं, हमें जानना है बेसिकली फोन के बारे में। तो गाइस सामने से कुछ इस तरीके का फोन दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये जो है यार सच्ची बताओ तो रियलमी U1 जैसा काफी मुझे सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे मैं कंपेयर करते हुए दिखा देता हूँ कि दोनों जो है फोन सेम ही लग रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। सामने से वही आप लोगों को डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, लेकिन जो उसका फेस अनलॉक है वो मुझे सही लगा, थोड़ा अलग है। और बेसिक जो मेन चीज है इसके अंदर जो One UI है सैमसंग का, वो भी काफी अलग है कलर वैसे तो, ये चीज बड़ी वाली बात है। और साथ साथ एक चीज बताऊँ, जो कलर यार देखो सैमसंग के जो वैसे होते हैं कहीं ना कहीं चल के लैग करते हैं, तो हल्का फुल्का लैग इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये One UI जो है काफी ऑप्टिमाइज है और काफी ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यार इसके अंदर 7904 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक नया प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से एक्सिनो सीरीज के अंदर। साथ 5000 mAh की बैटरी है, जो कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है, और ये हेड टू हेड कम्पीट कर सकता है एसुस के ZenFone Max Pro M2 M1 के साथ। बाकी यार ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा फोन, और इसके अंदर यार अपने आप जो फोटोज़ भी चेंज होती रहती है। देखो तो ये भी है कि यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर मस्त लग रहा है। तो यार ये है अभी पूरा पूरा सिनेरियो कि ये फ़ोन आपको कैसा मिलता है और क्या है। और ओवरऑल अब मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। तो एक्सिनोस का जो 7904 है वो प्रोसेसर इसके अंदर नया है। तो अगर आप पबजी खेलते हो तो यार HD सेटिंग्स के अंदर आप लोगों की पबजी काफ़ी चल जाएगी। यहाँ पे मैंने कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखे, और सच बताओ तो यार इस रेंज के अंदर जितने भी फोन है काफ़ी सिमिलर ही पबजी चलाते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलना है, यार सेम ही एक्सपीरियंस है सभी फोन के अंदर, और इसके अंदर ही वैसी है। लैग को अभी बाद में देखते हुए पता चलेगा आगे चलते कि ऐसा लैग करता है नहीं करता, बट अभी तक तो जितना पता चल रहा है यार देखने से चलाने से वो यही है कि फोन के अंदर जो पबजी है वो लैग नहीं कर रही, तो ये भी सही है। सो गाइस ये है गैलेक्सी का M20। अब आप लोगों का काम यार एक ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ कि आप लोगों को इस फोन के कंपैरिजन देखने हैं नहीं देखने, क्या क्या आप लोग इसके ऊपर लाइक वीडियोस देखनी है, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कोई इस फोन से डिमांड क्या है। फरवरी में फोन ये जाने वाला है सेल के अंदर, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज इस फोन के बारे में पता हो, आप लोग एक वाइस डिसीजन ले सको कि आप लोगों को ये फोन लेना या नहीं लेना। तो यार मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ कि आप लोग इस फोन की कौन कौन सी वीडियोस देखने, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्दी मिल सके। और अगर आज की वाली वीडियो पसंद आई यार इस वीडियो को बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी किसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।